Very good morning to each and every one of you. So didn't sleep much last night क्योंकि thumbnail के आपको पता चल गया होगा कि a new member is coming. जल्दी से ready होता है और bike लेके आते हैं. So helmet पे reaction cam भी mount कर दिया मैंने और मैं prince का wait कर रहा हूँ. वो delivery पे जा रहा है मेरे साथ. So he's on the way and already हम लोग 2 घंटे late हो चुके हैं. 1 hour later. अपनी बाइक हमें मिल गई है यार. और अभी ना यार हल्की सी बारिश हो रही है तो इसलिए मैं रुका हूँ. तो मैं इसको सिटी से थोड़ा सा बाहर लेकर आया हूँ. आपके भाई को ट्रैफिक में बाइक चलाना बिल्कुल भी पसंद नहीं तो इसको यहाँ से चलाएंगे आप. तो इसमें कुछ चीज़ें ऐसी है जो कि वेस्टलैंड में हमें देखने को नहीं मिलती, जैसे कि ये लगेज रैक, उसके बाद ये ट्राई कलर टोन, उसके बाद ये एडजस्टेबल क्लच एंड ब्रेक लीवर्स, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट डुअल चैनल एबीएस. तो अभी इसको एक्सपीरियंस करेंगे इस रूट से. अभी भी थोड़ी थोड़ी सी बारिश हो रही है बट हू केयर्स, लेट्स गो. भाई चलाने में तो बिल्कुल मक्खन, कतई मक्खन. और इतना बम्पर वम्पर भी पता नहीं चल रहा यार. सो यार मैंने पहले कभी स्ट्रेट बाइक चलाई नहीं यार, इसलिए थोड़ा सा मेरे को दिक्कत हो रहा है. क्योंकि यार मैं तो स्पोर्ट्स बाइक चलाता था R15, एंड उसमें जो है आपका बॉडी का वेट आगे आ जाता था, और इसमें जो है बॉडी फुल्ली स्ट्रेस एंड फ्री है, एंड आई एम फीलिंग वेरी कम्फर्टेबल. तो अब हम भगाएंगे इसको, देखते हैं हाउ फार इट गोज. Your baby girl, I'm going my own world. Tell me what to do. Just some respect, just like you should. I do it on my own. They tie me down just like a tie. Start a fake shit, erase. You know रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना. भाई मैं तो इसको हल्के में ले रहा था, काफी पावरफुल है. पावर की एक चीज मेरे को याद है यार, ये 225 cc है और इसके नंबर जो है वो भी R15 से ज्यादा है. लेकिन यामा तो भाई यामा आई है, उसको हरा नहीं सकता. वो इन इट सेगमेंट वन ऑफ द बेस्ट बाइक्स है. चलो इधर से अपन राइड ले लेंगे और वापस मुड़ जाएंगे सिटी को. तो इसको मैं अंडर एस्टिमेट कर रहा था यार, लेकिन इसमें तो पावर है, इसमें बहुत जान है. बहुत ही क्रिस्प फ्रंटल रिस्पॉन्स है इसका, एंड इसके एग्जॉस्ट नोड यार वो. ये बाइक है तो सिंगल सिलेंडर, लेकिन साउंड करते जैसे कि है डबल सिलेंडर हो जाए. ओ भाई आग आग एग्जॉस्ट. बाइक ऐसे में बहुत ही ज्यादा हेवी है, मतलब एक छोटा सा हाथी है ये, लेकिन चलाते वक्त उतना कुछ फील ही नहीं होता यार. हैंडल इतना ही हल्का है इसका. Now, how much did it cost me in my city? It costed me around 2,22,000. This is the top variant. So, itna to banta hi hai. Phir jaate hai iske looks pe.
मतलब इतनी छोटी छोटी डिटेल सब काम किया है ना यार टीवीएस ने, कि हर एक एंगल से बाइक परफेक्ट लिखती है। आप मीडियोर लेके आओ, आप एस बी लेके आओ, आप या फिर कोई भी सेगमेंट में कोई भी कूलर लेके आओ, इसके आगे लुक्स में ना ही सहोगे ना ही इसके पावर के आगे सहोगे। तो बाइक कुछ ऐसी बनाई है कंपनी ने।